हेलो एवरीवन, रेखा सीरा किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने बनाया है 5 रुपए वाले हैप्पी हैप्पी बिस्किट से बहुत ही शानदार एकदम मार्केट स्टाइल वाले चॉकलेट बाइट्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चॉकलेट बाइट्स का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज हम घर पर बहुत ही आसान तरीके से चॉकलेट बाइट्स बनाएंगे। तो चॉकलेट बाइट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हैप्पी हैप्पी वाले बिस्किट लिए हैं। अगर आपके पास चॉकलेट फ्लेवर के कोई भी बिस्किट हो तो वह आप ले सकते हो। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे 4 पैकेट लिए हैं। 3 पैकेट्स को मैंने यहाँ पर खोल लिया है और अब इस पैकेट को भी मैं खोल लूँगी। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार के अंदर सभी बिस्किट को छोटे छोटे टुकड़े करके और इसके अंदर डाल देंगे ताकि बिस्किट को पीसने में आसानी हो। अब हम बिस्किट वाले जार के अंदर 3 से 4 चम्मच शुगर ऐड करेंगे और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर भी हम 4 चम्मच लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से चम्मच को भरेंगे और ऐसी 4 चम्मच हमें इसमें ऐड करनी है। अब हम मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके और इसका एकदम फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने इसका एकदम फाइन पाउडर पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम पाउडर को एक बाउल में निकाल लेंगे। वैसे तो चॉकलेट पाउडर यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा ब्राउन है, लेकिन मैं इसको और भी ज़्यादा डार्क ब्राउन करने के लिए 1 चम्मच कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1/2 ग्लास पानी लिया है। ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है, ना गर्म है ना ही ठंडा। अब हम थोड़ा थोड़ा करके और पाउडर के अंदर पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा ही डालना है फ्रेंड्स और इसे मिक्स करेंगे। एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, अगर एक साथ डाल दिए तो बैटर हमारा पतला हो जाएगा और ये चॉकलेट जमेगी नहीं, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है। मैंने इसमें 2 चम्मच पानी मिक्स किया और ये देखिए, ये अभी भी गाढ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स करते हुए एक अच्छा सा फ्लोपी सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। चॉकलेट का बैटर हमें इतना गाढ़ा बनाना है कि ये अच्छे से जमकर तैयार हो जाए। बैटर को हमें यहाँ पर बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। तो ये देखिए, बैटर को मैं यहाँ पर लगातार फेंट रही हूँ और आप बैटर की कंसिस्टेंसी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एकदम फ्लोपी सा बैटर बनकर तैयार हुआ है। बैटर यहाँ पर कितना फ्लोपी बनकर तैयार हुआ है, जैसे ही मैं बैटर को गिरा रही हूँ तो बैटर एकदम रिबन की तरह गिर रहा है। चॉकलेट बनाने के लिए हमें ऐसा ही बैटर चाहिए। चॉकलेट जमाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टाइप के मोल्ड्स लिए हैं। एक स्क्वायर शेप का मोल्ड है और एक हार्ट शेप का मोल्ड है। अगर फ्रेंड्स आपके पास ऐसा मोल्ड ना हो तो आप आइस जमाने की ट्रे के अंदर भी इसको आसानी से जमा सकते हो, उसमें भी बहुत ही आसानी से जमकर तैयार हो जाती है। अब चम्मच में मैं थोड़ा थोड़ा बैटर लेके और मोल्ड के अंदर फिल कर दूंगी। सारे मोल्ड को मैंने यहाँ पर अच्छे से फिल कर लिया है। अब हम इसको 1-2 बार टैप कर देंगे। अब हम इसी तरीके से दूसरे वाले मोल्ड में भी बैटर को फिल कर लेंगे। अब इस वाले मोल्ड को भी अच्छे से टैप कर लेंगे और ये देखें फ्रेंड्स, दोनों मोल्ड को मैंने अच्छे से चॉकलेट बैटर से भर दिया है। अब इसको जमने के लिए फ्रीजर में 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। चॉकलेट बाइट्स को 8 से 10 घंटे बाद मैंने फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है और ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर हल्की हल्की आइस भी जम गई है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम चॉकलेट बाइट्स को डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, वाव, कितनी अच्छी चॉकलेट बाइट्स बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इसी तरीके से सारे चॉकलेट बाइट्स को निकाल लेंगे और ये चॉकलेट बाइट्स हमने 5 रुपए वाले हैप्पी हैप्पी बिस्किट से घर में बनाकर तैयार किए हैं।
जब से मैंने ये चॉकलेट बाइट्स बनाए हैं तब से मेरे बच्चे इतने खुश हो रहे हैं कि मम्मा इसका जल्दी से इंट्रो दे दो, हमें ये खाना है, हमें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और आपको भी लग रहा होगा फ्रेंड्स, देखने से एकदम मार्केट वाले चॉकलेट बाइट्स बनकर तैयार हुए हैं। ये चॉकलेट बाइट्स खाने में एकदम मार्केट जैसे डिलीशियस लग रहे हैं। क्या इनको देख के कोई कह सकता है फ्रेंड्स कि ये चॉकलेट बाइट्स हमने घर पर बहुत ही आसान तरीके से और 5 रुपये में बनाकर तैयार किए हैं।